وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم الناس من ادم وادم من تراب الا كل ماثره او دم او مال يدعى به فهو تحت قدمي هاتين الا سدانه البيت وسقايه الحاج ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش لا تجيءوا بالدنيا تحملونها على رقابكم ويجيء الناس بالاخره فلا اغني عنكم من الله شيئا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سامين غرامي नबी राहमत अलसात वसलम के ख़ुतब वदा के हवाले से बात हो रही है हर जुमे के खुतबे में ये क़लिमात जो रसूल सल सल्ला वम ही ने हमें सिखाए हैं दोहराए जाते हैं कि सबसे सच्ची किताब अल्लाह की और सबसे बेहतरीन बात रसूल सल सल्हु वसम की इसी को बुनियाद बनाते हुए हम ख़ुब हजतल में रसूल सल्ह की बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं गुज्त जुमे में हम सब ने इस जुमले पर ग़ौर किया था जो आक़ रत ने अरसात फरमाया कि सुमिन आदम के सारे लोग आदम से तख्लीक किए गए हैं आदम की औलाद आदम उ मिन्थुर और आदम जो थे वो मट्टी से बनाए गए थे इसके हवाले से और भी बहुत सारी बातें काबिल हैं लेकिन जिंदगी सारी पड़ी हुई है इन बातों को समझने के लिए और इस पर गौर करने के लिए और हम इस बात के मुक़ल्लफ़ हैं यानी हमें इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि जो बात भी अल्लाह और उसके रसूल सल असम की हम तक पहुँच जाए उस पर मुसलसल गफिक करते रहें और जो बात समझ में आ जाए उसे अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर लें उस पर यकीन कर लें कि हाँ यही बात बिल्कुल सच्ची और अच्छी है अब इसके मुताबिक मैं अपनी ज़िंदगी का बक़िया हिस्सा गुजारूँगा इस सबब से हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वम की ये बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं जबर रसूल सल्ला वसम ने फ़रमाया कि सब आदम की औलाद हैं और आदम मट्टी से थे तो मट्टी की एक ख़ूबी और भी हमें जाननी चाहिए कि इस दुनिया में जितने भी मुख्तलिफ़ आपको रंग दिखाई देते हैं मुख्तलिफ़ सूरतें दिखाई देती हैं ये उसी मट्टी की तासीर की मुख्तलिफ शक्लें हैं ये इशारा पहले भी गुज़र चुका है कि अल्लाह रब्ज़त ने मट्टी की हर किस्म को कोई ना कोई खसूसियत और वफ़ अता कर रखा है अगर कोई सख्त पत्थर की शक्ल इख्तियार कर चुकी है मट्टी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हीं पत्थरों के नीचे हीरे और जवाहरात, सोने और चांदी की काने उसके अंदर रख दी हैं मादनियात के ख़जाने उन पत्थरों के अंदर छुपा दिए और इन दुनिया वालों को बता दिया है कि तुम जितनी भी तरक्की करते चले जाओ बिला तुम्हें सहूलतें हासिल करने के लिए इन्हीं पत्थरों के अंदर से मेरे छुपे हुए ख़जानों को तलाश करना पड़ेगा अल्लाह ने वो खजाने छुपा दिए हैं यही पत्थर है जो ज्यादा चमक उठे तो हीरे की शक्ल इख्तियार कर जाता है जिसे लोग दुनिया का सबसे कीमती तरीन मता समझते हैं और इन्हीं पत्थरों के बारे में अल्लाह रबुल्ज़त ने अपनी किताब हकीम में फरमाया कि लोगो तुम्हें क्या हो गया है कि तुम पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त दिल हो गए हो हालांकि पत्थर भी ऐसे हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलाल से और उसकी हैबत से सर सुज़ूद हो जाते हैं और उन पत्थरों से भी ऐसे पत्थर भी हैं कि जो अल्लाह ताला की हैबत और जलाल को मासूस करते हैं तो उनके अंदर से चश्मे फूट पड़ते हैं ये अल्लाह इज़्ज़त ने उनके अंदर खसूसियत रखी है इसलिए अगर कोई शख्स सख्त मिजाज है तो सख्त मिजाज और क़वत और सलाबत रखने वाले इंसान को ये सोचना चाहिए कि अगर अल्लाह रब्ज़त ने उसके अंदर हिम्मत और क़वत का जज्बा पैदा किया है तो इस हिम्मत और क़वत के जज्बे को वो खुश्क न बना दे बल्कि इसके अंदर से वो चश्मे जारी कर दे लोगों के लिए खैर और फलाह का कामयाबी का सहूलत का सामान फ्राहम करना शुरू कर दे और जिन पत्थरों को या जिस ज़मीन के टुकड़े को अल्लाह रब्ज़त ने ज़रखेज़ी अदा कर दी है तो उन जरख़ेज़ ज़मीनों से हर किस्म के अनाज हर किस्म की जड़ी बूटियाँ हर किस्म के फल, हर किस्म की नबातात, जो निकल रही हैं तो ये भी एक खास अलामत है अल्लाह रब्ज़त की तरफ से मुख्तफ़ रंग के पत्थर मुख्तलिफ़ रंग की ज़मीनें मुख्तलफ़ रंग की कैफ़ जो उनके अंदर पाई जाती हैं यही सूरत हाल इंसानों की भी है तो हमें हर एक इंसान को इस अंदाज़ में देखना चाहिए कि इसके अंदर खूबियां क्या हैं बजाय इसके एक इस अंदाज़ में देखना शुरू कर दिया जाए कि इसके अंदर खामियां क्या हैं क्योंकि यह महज जाविया निगाह का मसला है इंसान एक ख़ास तर्ज़ निगाह से देखना शुरू कर दे तो उसे हर चीज़ ख़ूबसूरत दिखानी दिखाई देने लगती है और ज़रा आपने जाविया नज़र को बदल दे तो फिर उसे हर चीज़ में ख़राबी नज़र आना शुरू हो जाती है आपने भी अपनी ज़िंदगी में यह जुमला बकसरत लोगों को कस कहते हुए सुना होगा कि जनाब इंसान के अंदर बड़ी खराबियाँ पाई जाती हैं हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई खराबी खामी नक्श जरूर पाया जाता है ये भी एक तर्ज़ फिक्र है सोचने का अंदाज है लेकिन आप इसी को थोड़ा सा बदल दें और ये कहना शुरू कर दें कि दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई खूबी ना पाई जाती हो हर शख्स में कोई ना कोई खूबी लाजिमन पाई जाती है और अक्लमंदी का तकाज़ा ये है कि उस खूबी को उजागर किया जाए और जब आप ख़ूबी को उजागर करते हैं तो फिर आस्ता-आस्ता उसकी ख़राबी भी ख़ूबी के अंदर बदलना शुरू हो जाती है और फिर वह एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान हमें दिखाई देता है इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हकीमाना जुमला के सारे इंसान आदम से थे और आदम मट्टी से बनाए गए थे बहुत बेशुमार किस्म की ख़ूबियाँ इस जुमले के अंदर पाई जाती हैं और इस नुक़ नज़र से हमें गौर करना है कि हम में से हर एक इंसान अल्लाह का बंदा है हम में से हर एक इंसान अल्लाह की तरफ़ से अता करदा किसी न किसी वस्फ का ख़ूबी का हामिल है बस हम उस ख़ूबी को उजागर करें और उसको नुमाया करें और उसके अंदर आहिस्ा आहस्ता ख़राबी जो है वो खुद ब खुद दबना शुरू हो जाएगी बिल्कुल उस तरह के जैसे किसी बंजर ज़मीन को एक किसान हमवार करता है तैयार करता है उस ज़मीन को समझाता है कि तुम काफ़ी देर से बिल्कुल इग्नोर की जा चुकी थी लोग तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे थे और तुमने भी ये समझना शुरू कर दिया था कि शायद मेरे अंदर सिवाय सेम और थोर के कुछ है ही नहीं इसी वजह से तुम्हारा चेहरा बिगड़ चुका था लेकिन हकीकत ऐसी नहीं थी आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या ख़ूबियाँ हैं फिर वो किसान उस ज़मीन को समझाता है कभी हल चला के समझाता है कभी पानी दे के समझाता है कभी जड़ी बूटियों को उखाड़ के फेंक के समझाता है और फिर चंद महीनों की मेहनत के बाद वही ज़मीन जो बिल्कुल बंजर बे आबाद और बदशक्ल थी वो लोगों के सामने लहलाते खेतों में बदल जाती है सरसब्ज बाग़ात में बदल जाती है चमनजार में बदल जाती है कुछ दिन पहले उसी ज़मीन के पास से लोग गुजरते थे तो कहते थे कि ऐसी ख़राब ज़मीन है और अब हर शख्स देखता है तो उसकी आंखें खीरा हो जाती हैं किस सब से कि इंसान ने उस मट्टी के अंदर की खसूसियात को जांचने के बाद उसको उजागर करने की कोशिश की हमें भी यही बात अपने अंदर पैदा करनी चाहिए कि इंसानों के अंदर खूबियाँ पाई जाती हैं और इंसानों के अंदर खूबियाँ ज़्यादा हैं ख़राबियों के मुकाबले में कमाल ज़्यादा है नक्स के मुकाबले में अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं कमियों के मुकाबले में और अल्लाह इज़्ज़त ने इसी वजह से तो हम इंसानों को अपना खलीफा बनाया है और अपना बंदा बनाया है ये अजमत ये फ़जीलत और ये शान किस्म की नेमत बिला सबब तो अता नहीं कर दी गई इस वजह से हमें अपने रवैयों को बदलना है एक साहब ने अल्लाह के एक, नप, एक बंदे ने बड़ी ख़ूबसूरत बात कही और कहा कि लोगों अगर एक कश्ती में बहुत सारे लोग सवार हों और अचानक तूफ़ान आ जाए और तूफ़ान आने की बुनियाद पर देखा जाए कि जनाब वहाँ उस कश्ती में कुछ ख़राब आदमी हैं जो फसादी हैं गुनाहगार हैं एक दो बंदे गुनाहगार हैं तो क्या दुनिया का कोई कानून इस बात की इजाज़त देता है कि उन गुनाहगार आदमियों को की वजह से पूरी कश्ती को तबाह कर दिया जाए और कह दिया जाए कि चूँकि इसमें चंद लोग ख़राब हैं इस वजह से ये पूरी की पूरी कश्ती जो है इसको तबाह कर देना चाहिए इसको बर्बाद कर देना चाहिए दुनिया का कोई भी अक्लमंद आदमी इस बात की इजाज़त नहीं देता